सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज है 3 सितंबर और आज का एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो सेकंड सेमेस्टर को यानी कल हमारा फर्स्ट ईयर पूरा ख़त्म हो गया। एग्ज़ाम इंटरनल्स एंड लैब सब ख़त्म हो गई और आज 3 सितंबर को है हमारी ट्रेन 7-8 बजे को इवनिंग में। तो हम ट्रेन से इस बार जा रहे हैं। अगर आपने पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो हम फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं, बट इस बार मैं और मेरे दोस्त सब ट्रेन से जा रहे हैं एक ट्रेन का जर्नी एक्सपीरियंस करने के लिए। क्योंकि नॉर्थ से अगर कोई भी बंदा बैंगलोर आता है तो उसको ट्रेन से 2 दिन या 1.5 दिन लग जाता है आते आते, डिपेंडिंग अपॉन वो कहाँ रहता है, कौन सी डेस्टिनेशन है, बिहार है या यूपी से है या दिल्ली से है, जयपुर से है, तो ऑलमोस्ट इतना ही टाइम लगता है। तो पूरी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ट्रेन की, क्योंकि आपने फ्लाइट की जर्नी देखी हुई है मेरे पिछले व्लॉग्स में। तो इस बार कुछ नया, इस बार ट्रेन से हम ट्रैवल करेंगे, देखेंगे कि ट्रेन से ट्रैवल करने में कितना आपको लगता है। जैसे ट्रेन से अगर हम ट्रैवल करने का बोले तो ट्रेन से आपको ट्रैवल करने के लिए 3,000 से 4,000 रुपये लग जाते हैं। अगर आप सेकेंड ए सी लेते हैं तो मेरा पड़ा था 3,500। अगर आप थर्ड ए सी लेते हैं तो आपको 2100 में कुछ टिकट पड़ेगी। तो जैसे जैसे आप एक देखें तो आप 3,000 से 4,000 के बीच में कह सकते हैं, या 2,000 अगर आप स्लीपर क्लास में जाएंगे तो वो 800 पड़ जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सी क्लास में जाना है उस हिसाब से आपका ये रेट रहता है। नॉर्मली 2,000 से 3,000 के बीच में आपका ट्रेन का रहता है। फ्लाइट का मेरा जो लगता है वो 4,500 के अप्रॉक्स ट्रैवल में लग जाता है एक बार का टिकट का, और ये कभी कभी 5,000 से 6,000 भी पहुँच जाता है अगर आप जयपुर से हो गए या कहीं दूर बिहार से हो गए तो वहाँ से, तो और थोड़ा ज़्यादा लग जाता है फ्लाइट से। तो पूरी जर्नी को देखना एक्साइटिंग होगी। प्लस अभी आप देख सकते हो, ये देखो पूरा बैग वैग पड़ा हुआ है सब, लैपटॉप वैपटॉप अभी पूरा समेटना है, तो थोड़ा सा काम बाकी है, पैकिंग वैकिंग चल रही है और मिलते हैं आगे। चलो बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके एक के बारी नहीं आ रही है। दूसरी पता नहीं कहाँ है, कैंसिल कर दिया भाई। पता नहीं यार, सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। आ गया, आ गया। चलो चढ़ते हैं। नहीं सो गाइस, अब हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे, समझ रहे हो, फटाफट ऐसे कुली बनना पड़ता है। चलो भाई चलो, अरे तो मिलते हैं आगे। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। ट्रेन में बैठने का हम बात करते हैं। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना आए 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 हम ना आए, ऐसी जी छिप छिपाए, ऐसी जी हम ना पाए, ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए। So guys, अब हम खा रहे हैं कप नूडल्स। ये देखो देखो कप नूडल्स, यस, और ये है देखो, निखिल भाई हमें भी ले लिया करो व्लॉग में यार। तुम ही तो आ रहे हो यार, हर हम आते नहीं किसी व्लॉग में तुम्हारे। क्यों नहीं आते, दिव्यांश भाई को सपोर्ट करा करो इंस्टाग्राम पे, दिव्यांश को फॉलो करो, हिमांशु को फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे नहीं है, ठीक है भाई, इनको फॉलो करना ही जरूरी, लिंक्डइन पे करो उसको फॉलो, लिंक्डइन पे करिए, और ऋषभ को भी फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू निखिल परवानी चैनल, एंड
एंड निखिल परवानी थोड़ा आराम कर रहे हैं तो मैंने टेक ओवर किया है। मेरा नाम दिव्यांश है, वो मेरा जिगरी दोस्त है, पास्ट रूममेट है। और अभी हम लोग ये राजधानी एक्सप्रेस के सेकंड एसी कोच में हैं। सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, मेरा घर भोपाल में है, मैं रास्ते में उतर जाऊंगा, इन लोग आगरा जाएंगे। देख लीजिए गाइस, सब लोग यहाँ पे आराम कर रहे हैं, यहाँ जो भाई खाना खा रहे हैं, कपल ऋषभ भाई फोन से बात कर रहे हैं, ये है निखिल परवानी जिनका व्लॉग चैनल है, हाय बोलिए उनसे। निखिल भाई आपने, निखिल भाई आपने अभी नहीं दे रहे, अभी हम लोग करेंगे। ओके निखिल भाई, ये बताओ हमारे लोगों को कि आपने सेकंड एसी क्यों चुना? मैंने सेकंड एसी नहीं चुना, आपने इनने बाकी तीनों की मेजोरिटी से हुआ। नहीं अब वो सच्चाई मत बोलो आप। नहीं नहीं जो सवाल आपसे पूछा यूट्यूब है, सुनो सुनो, हेड स्टेल हुआ था कि सेकंड और थर्ड एसी की, देख लो गाइस, हेड टॉस कराया था एक कॉइन से कि 3500 का टिकट कराना है कि 2500 का टिकट कराना। तुम आ जाते 2500 में, बाहर के नजर दिखा दो। बहुत बुरा दिया, हाथ लाल कर दिया। मत खेलो यार, जब एक और मार सकता तुझे, एक रिटायर होना पड़ेगा। बहुत मार दिया, मेरे मत मार देना। मजा आ रहा है इसको। निकल अगली बारी तुम्हारी। मैं कुछ नहीं खेल रहा। अरे मानेंगे नहीं, इंपैक्ट नहीं आ रहा। Hey guys, welcome back to my channel। और आज हम आ चुके हैं राजधानी एक्सप्रेस में, आगरा की ओर अग्रसर होते हुए। और ये हमारे ब्लॉगर भाई और दिव्यांश, स्ट्रेचर भाई, स्ट्रेचर भाई, स्ट्रेचर पांड्या, और इनका नाम है मांश। मांश चले खाएंगे दोनों भाई खाने में।
बता रहा हूँ, ये देखो ये देखो, जितने अच्छे से बात करते ना इनके, ये देखो ये चाहिए। सो हाय गाइस, थोड़ा सा ग्लिम्स जैसे आपने देख लिए होंगे, तो अभी दिन के बज रहे हैं 3 और नागपुर स्टेशन आया हुआ है, तो हिमांशु भाई सो रहे हैं और ऋषभ भाई और दिव्यांश भाई हमारा खाना लेने गए हैं, तो अभी हम हैं नागपुर जंक्शन में। देखें ना, नागपुर जंक्शन में हम आए हैं और बाकी के दो साथी खाना लेने गए, तो अभी आ ही रहे हैं वो लोग। 10 से 15 मिनट का स्टॉपेज है ट्रेन का, और ये है हमारी निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस जो बेंगलोर से दिल्ली निज़ामुद्दीन स्टेशन तक चलती है। राजा मंत्री चोर से भाई खेल रहे हैं। हाँ चलो चलो, ये एक दिन देखें क्या है यार। रुक जा, देखने से क्या है। अब क्या करना होता है? अरे क्या करना का था, अभी रुक जा। राजा जो बना है वो पूछेगा मेरा मंत्री कौन है, तो उसको मंत्री को ढूंढना पड़ता है कौन चोर है कौन सिपाही है। मंत्री ने सही गेस कर लिया तो मंत्री के पूरे पॉइंट, तो मंत्री ने गलत गेस किया तो सिपाही के 100, चोर के 100 और मंत्री के 0। मंत्री के 0, हाँ। राजा के तो पूरे ही है। राजा के तो पूरे, राजा कौन है? मेरा मंत्री कौन? हाँ मंत्री हुजूर बोलो, ये चोर ऐसा नहीं होता है। जी बोल, अरे ठीक है, नहीं अगर सही बोल तो सही। कौन है चोर और कौन है? 10-20-30-40-100 कर लेते हैं। रिक्शे वाले, रिक्शे वाले मंदिर चलोगे, 10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 चोरी। मंत्री बदल ले, 100 रुपए मेरे। भाई यार ये क्या यार, मेरे को उठाना यार, हर बार लाश मिल रहा है यार। हाँ ला भाई, मेरा मंत्री कौन? रुक जा अब बोलो। मैं बोलो, चोर सिपाही का पता लगाओ भाई। चोर सिपाही ठीक है, चोर सिपाही तार धरे लो लो लोरी सुनाना। सो गाइस, हमने दिव्यांश को छोड़ दिया है हबीबगंज, और हबीबगंज के बजाय हम भोपाल जंक्शन में, तो भोपाल जंक्शन आप देख सकते हैं 10 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पर ट्रेन में, और इस समय हो रहे हैं 9:17, रात के 9:17 हो रहे हैं, और हम सब 3 बजे के आसपास आगरा पहुँचेंगे। तो बहुत मज़ा आया इस जर्नी में, लिटरली आपने पूरे दिन की क्लिप देखी और नज़ारे बहुत अच्छे थे, दोस्तों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। तो 1.5 दिन में यार बहुत मज़ा आया, 1.5 से 2 दिन जो आप कह सकते हो, तो बहुत मज़ा आया इस जर्नी में। प्लस अगर मोस्टली हम फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं, बट अगर आप चाह एक बार एक्सपीरियंस करना कि ट्रेन में कैसा लगता है, ट्रेन में सफ़र करने में सही बहुत मज़ा आता है दोस्तों के साथ, और एक नई वाइब आती है, एक ट्रिप जैसा फील आता है, पूरा ट्रिप तो नहीं है, हाँ 1 से 1.5 दिन आप ट्रिप नहीं कह सकते, बट मज़ा बहुत आता है अगर आप ट्रेन से करते हो, 1 टाइम एक्सपीरियंस है।
तो जरूर करना। सो ऋषभ भाई हमने कर दिया दिव्यांश को गुड बाय। निकाल दिया उसको ट्रेन से हटा। देख लो ट्रेन से हमें आएगा, हमें पापा की मेहनत सिखाएगा। तो अब सीधा इसका झांसी है तो ग्वालियर से आगरा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट। सो हाय गाइस, सो रात के बज रहे हैं 2:30 और रात के 2:30 बज रहे हैं और हमारे ऋषभ भाई मांचो भाई तैयार हैं, सो रहे थे उठाया बीच में। हाँ पूरा ट्रिप कंप्लीट होने को है, ट्रिप कंप्लीट हो गया है सर। हम सब पैकिंग वैकिंग कर लिए, तैयार है, बस आधे घंटे में अपना डेस्टिनेशन आने वाला है। एक महीने की छुट्टी है यार, बहुत जल्दी बीत जाएगी, पता नहीं चलेगी। सो गाइस अभी हो रहे हैं 3:53 और हम आगरा कैंट पहुंच चुके हैं। तो हमारे साथ हैं हिमांशु भाई और ऋषभ भाई। ऋषभ भाई हमारे साथ जाएंगे ईदगाह बस स्टैंड, जहाँ पे हम उनको छोड़ेंगे, वहाँ से जाएंगे भरतपुर और जाएंगे जयपुर, जाके ट्रेन आने वाली 6 बजे, चाय पीते 6 बजे आने वाली है। तो 1-1.5 घंटे यहीं बैठना है, तो ये पूरा आगरा कैंट है। और एट लास्ट अगर आपको मज़ा आया व्लॉग में तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सेकेंडली दोस्तों के साथ ट्रिप पे एक दो बार जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपकी छुट्टियां पड़ती हैं तो एक बार ट्रेन जर्नी करो, मज़ा आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।